ये बिल्कुल आसान मोटर है। इसके लिए आपको कुछ मकनातीस, कुछ तांबे की तार, सेफ्टी पिन, बैटरी, कैंची वगैरह दरकार होगी। सबसे पहले 1.5 मीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर लें जो मोटर वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और इसे एक बैटरी पर गोल गोल करके बांधें। इस तरह से 10-12 मोड़ होंगे। इस स्प्रिंग को बाहर निकालें और आखिरी सिरे को गांठ लगा दें। इसी तरह दूसरे सिरे पर भी गांठ लगा दें। ये दोनों सिरे बिल्कुल मसावी लकीर में हों, यानी दोनों तरफ कॉइल का वजन मसावी होना चाहिए। फिर कैंची से दोनों सिरों के जायद तार को तराश लें। तार सिर्फ 3 सम लंबाई की हों। अब आपको आपकी कॉइल लगभग तैयार है, लेकिन मुकम्मल नहीं। अब एक चाकू या कटर लें और कॉइल के सिरे को 3 तरफ खुरचें, जिससे इसके ऊपर का कोट निकल जाए। दूसरी तरफ के हिस्से को चारों तरफ खुरचें, जिससे इसका तांबा ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए। ये एक तरह का ब्रश या कम्यूनेटर बन जाएगा। इस तरह एक तरफ पूरी तरह का तांबा होगा और दूसरी तरफ 3 तरफ तांबा होगा, और एक छोटा सा हिस्सा इंसुलेशन का होगा जो स्विच का काम करेगा, ऑन ऑफ का काम करेगा। अब पुराने साइकिल ट्यूब के 2 रबर बैंड काटें और इन्हें बैटरी पर चढ़ाएं। एक रबर बैंड में मकनातीस को फंसा दें। फिर 2 बड़ी लंबी सेफ्टी पिन लें और इन्हें मजबूत और मनफी के साथ लगा दें, जिससे इन दोनों सेफ्टी पिन में 1.5 वोल्ट। ये रही शक्ल जिसमें मोटर आसानी से नज़र आ रहा है। अब कॉइल को दोनों सेफ्टी पिनों के सुराखों में दाखिल करें। इसे थोड़ा सा धक्का दें और ये कॉइल लगातार मुसलसल घूमते रहेगा। अगर आप एक और मकनातीस करीब लाएं तो इसकी रफ्तार और तेज़ होगी। इसके मानी है कि इसके कुतबैन मुखालिफ हैं। अगर आप मकनातीस को पलट देंगे तो मसावी कुतबैन हो जाएंगे और कॉइल की रफ्तार कम हो जाएगी। आप इस कॉइल को बैजवी शक्ल भी दे सकते हैं और इसे भी आप थोड़ा सा धक्का देने पर घूमने लगेगी। ये देखिए किस तरह घूम रही है। इस मोटर से आप मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे कर सकते हैं। मुख्तलिफ शक्लों की नाप की कॉइलें इस्तेमाल कर सकते हैं। खलाई दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बैटरी पर ये मोटर तकरीबन 3 घंटे चलता है। ये शायद दुनिया का सबसे आसान और बेहतरीन मोटर है।